मशहूर पिलखुवा की बेटी ने जिले का ही नहीं देश का नाम रोशन किया है। पिलखुवा की आशना चौधरी बनी IAS। आशना चौधरी ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 116वीं रैंक हासिल की है। आशना ने अपनी कामयाबी के पीछे अपने माता पिता, परिवार व अपने अध्यापकों को प्रेरणा स्रोत बताया। वही रिजल्ट आने के बाद से ही परिवार में खुशी का माहौल है। हापुड़ से न्यूज 27 भारत के लिए संवाददाता दीपक कश्यप की खास रिपोर्ट। बहुत खुशी महसूस हो रही है, बट काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब लग रही है, तो मिक्स्ड इमोशंस हैं। खुशी भी बहुत हो रही है, नर्वसनेस भी है, और आगे क्या स्टेप रहेगा उसके बारे में एक फ्यूचर एप्रिहेंशन भी है। आपकी आज की 16 रैंक आई है, किस तरह की तैयारी रही, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या स्ट्रेटजी रही? स्ट्रैटेजी बेसिकली मैं फुल टाइम इसको नहीं दे पाई थी, क्योंकि साइमल्टेनियसली मैंने अपने मास्टर्स की भी प्रिपरेशन की है। बट मैं ट्राई करती थी कि मैं 6 to 8 hours डेली एनी हाउ इसको दूँ। मैं डेली गोल्स बनाती थी और मैं ट्राई करती थी कि मैं उन गोल्स को कंप्लीट कर ही डे को एंड करूँ। कौन सा अटैम्प्ट था ये? मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। इससे पहले आपने दो अटैम्प्ट दिए, क्या कैसा महसूस हुआ? दो अटैम्प्ट में आप नहीं क्लियर कर पाए थे, आप तीसरा अटैम्प्ट में क्लियर कर पाए, तो उस समय क्या कैसा महसूस हुआ? फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद थोड़ी ज़्यादा निराशा हुई थी, क्योंकि ये पहला टाइम था जब मैं एक अचीवर्स बैच से निकलकर फेलियर का टेस्ट ले रही थी, तो तब मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील हुआ था। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरी प्रिपरेशन इतनी थी कि मुझे लगा था मैं ये कर सकती हूँ अगर मैं थोड़ा सा और प्रिपेयर करूँगी, एंड थर्ड अटेम्प्ट में आई कुड क्लियर। आपका कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट था? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। इसका क्रेडिट मेरी पूरी फैमिली को जाता है, जिन्होंने मुझे एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया पढ़ाई के लिए। मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरे डैड को जाता है, जिन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया और मुझे बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दी हैं टू थ्राइव। तो हाँ जी, मेरी फैमिली, मेरे डैड, मेरी मॉम, इन लोगों। मैं UPSC एस्पिरेंट्स को बोलूँगी कि निरंतर प्रयास करना ही एक की है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और निराश बिल्कुल मत होइए, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम मांगता है, इसको टाइम देना पड़ता है, और जर्नी को एंजॉय करने का प्रयास कीजिए।